वो नहीं सुना तुमने वो इंटरव्यू? इट्स अ फेमस इंटरव्यू. नहीं वो मैंने नहीं देखा. अभी ओपन करो. वेयर इज माय फोन? ये मत सोचना मेरी वाली अलग है. I have no idea मेरे फोन को क्या हुआ है. आई डोंट नो. आई एम यूजिंग दिस 14 प्रो मैक्स. बट जब जब कोई नया फोन लॉन्च होता है, आईफोन का अभी 15 लॉन्च हुआ है, तो इसका अपने आप ही क्वालिटी गिर जाता है. पता नहीं ये मैं अकेला ही फील करता हूँ या आप सब लोग भी फील करते हो. इसके पहले मेरे पास 13 था, जब 14 आया तो उसका क्वालिटी गिर गया मुझे ऐसा लगा. तो तब जाके मैंने 14 लिया, और अब जब 15 आया है तो इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही डल सा लग रहा है. What's up guys, this is AJ. We are back with another vlog. आज मैं मिलने वाला हूँ आचल से, एंड सोचा मैं vlog भी कर लूँ और दो तीन रील भी शूट कर लूँ. सो एज यूजल लड़कियों का आपको पता ही है, हमने 4 बजे का डिसाइड किया था. पहले तो 3 बजे का शूट था, 3 से 3:30 हुआ, 3:30 से 4 हुआ, और 4 से अभी 4:15 हुआ, और अब तक वो आई नहीं है. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर यहाँ मलाड बैक रोड पे. एंड येस गाइस, काफ़ी लोगों के सजेशंस मुझे मिले थे. मेरे मैनेजर्स ने भी मुझे यही कहा कि आप ओमेगल क्यों नहीं करते हो, अभी ओमेगल तो है नहीं तो ओमी टीवी क्यों नहीं करते. तो मैं फाइनली वीडियोस शूट कर चुका हूँ, एंड आई थिंक बहुत जल्दी उसका वीडियो आएगा, या ये वीडियो पहले आएगा या वो वीडियो आएगा. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दोज वीडियोज. बहुत घंटों बैठने पड़ते हैं वो एक प्रॉपर वीडियो शूट करने के लिए, एंड फाइनली आई डिड दिस. And I just waiting for the good response. So last vlog में मैंने इसको title दिया था कि हमेशा time पे आते हैं, तो वो title. Just because we spoke about it on the phone, you can't do that to me. Yes, वो title मैं छीन लेता हूँ. मजा आया. I am not letting you complete it. You can't do that to me. Why? पंडित जी. Otherwise I'll tell everybody कि तुम्हारा नाम पंडित जी क्यों मेरे. वो मैं बताता हूँ कि क्यों बोलती हो पंडित जी, फिर वो भी पता चलेगा लोगों को. कुछ तो गड़बड़ जरूर है. वो मैच के बाद मैंने रखा था, जिस मैच के बारे में फोन पे बात कर रहे थे. आई रिमेम्बर मैं चंडीगढ़ में शूट पे थी, और जब पूरे देश को कुछ और लग रहा था, यू वर कन्विंस्ड, एंड उसके बाद मैंने पंडित जी नाम रखा था. अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल. हाँ तो तुम ये बात तो मानती हो ना, जो भी मैंने कहा था उस दिन मैच के दिन, एक आईपीएल का फाइनल के मैच के दिन, वो सच हुआ जो तुम एग्री नहीं कर रही थी. हाँ. और आपको कैसे पता था, ये भी बता दो. और मैंने तुम्हें तुम्हारे लाइफ खबरें कौन देता है, और तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में भी तुम्हें बताया था, तुम शॉक हो गई थी. सही बात है. कौन सी लव स्टोरी? इसको इसको इस मैंने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं की थी, मैंने लव स्टोरी की बात करी थी. मैंने बताया ना एक्सपेक्टेशंस. Good. I don't remember any such conversation. I know that is the only reason she always call me Pandit. क्योंकि मैं इसको जो भी बोलता हूँ हमेशा सच रहता है, और वो agree नहीं करती है, but finally वही सच होता है. मेरी घड़ी में पता नहीं क्यों 4:30 दिखा रहे हैं. क्यों दिखा रहे हैं पता नहीं, 4:22 हो रखी है. We were supposed to meet by 4:00. BST ने जो किया. I think US travel करके आई है, तो अलग टाइम जोन फोन में चार टाइम जोन अलग अलग, कांदिवली की टाइम जोन अलग अलग. सही पकड़े हैं. US का बॉयफ्रेंड है, देखो US में एक बॉयफ्रेंड और एक दुबई में और एक मुंबई में. नहीं दुबई में नहीं है अभी, दुबई वाला कट हो गया. उसके तेल की फैक्ट्री बंद हो गई, तो अब नहीं है दुबई वाला. एक लड़की को देख, सच्चाई आज मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, एक लड़की जो होती है ना उसको सच सुन लो भाई, ये प्योर सच है. आइए देखते हैं मजा आएगा. एक जो लड़की होती है उसको मैं बेबी बोलूं, या वो मुझे हस्बैंड बोले, या हम एक्चुअली में मैरिड कपल हो, या हम एक्चुअली में डेटिंग करते हो, उससे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता. मतलब उसको उस पे मतलब लड़कों की बारिश वैसे भी होगी जब तक वो लड़की अच्छी दिखती है. लड़कों को फर्क नहीं पड़ता कि लड़की मैरिड है या लड़की के बच्चे है, या लड़की किसी और को सीरियसली डेट कर रही है, या वो लॉयल है, नहीं फर्क या पड़ता. लड़कों को नहीं फर्क पड़ता. ये सच्चाई है. ये सब तुम्हें पता है, एक्टिंग मत करो. नहीं ये नहीं पता था. I genuinely, see, I have a thing, policy है मेरी,
मैं कमिटेड लड़कों की तरफ नहीं देखती हूँ. और ये मेरे कपल ऑफ गाय फ्रेंड्स से मेरी जो बात हो रही थी, दे वर लाइक ब्रो इट्स द सेम, इवन वी डोंट लुक एट गर्ल्स हु आर कमिटेड, इट्स जस्ट वेरी बेसिक. आई डोंट थिंक सो. कि मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रही हो जो झूठ बोलते हैं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. एंड तुम रिसेंटली अभी बिग बॉस में ही, तुमने देखा होगा, तुम नहीं फॉलो करती हो बिग बॉस में, दे मुनव्वर, लाइक मुनव्वर की एक गर्लफ्रेंड अंदर गई है बाहर. मैंने सुना था. तो शी इज एक्सपोजिंग हिम कि बाहर तो कितने लड़कियों से बात करता, तो वो सब रिसर्च करके आई है. तो वो एक 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 बता रही है. तो वो सिर्फ मुनव्वर की बात नहीं है, सब लड़के का ही ऐसे होता है. मतलब जो लड़का अगर नहीं बात कर रहा है, हर लड़का करता ही है. मतलब बेसिकली अगर एक लड़के में टैलेंट है, अगर किसी भी लड़की को अप्रोच करना या इम्प्रेस करने का, तो वो लड़का करता ही है. अगर Will you double time? हाँ? Will you double time? मेरे को सिंगल टाइम ही नहीं हो रहा है, डबल टाइम कहाँ से होगा? जिससे हाइपोथेटिकली आपके पास गर्लफ्रेंड है, आप करोगे? वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर जो मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है जैसा मुझे वक्त चाहिए वैसा नहीं दे रही है, तो आप में क्षमता है करने की? हाँ, बिकॉज लॉजिकली जो मुझे प्यार चाहिए वो उसे मिल ही नहीं रहा है प्रेजेंट वाली से. तो मैं अट्रैक्ट होगा हूँ ना कहीं ना कहीं. तो लड़कियां भी तो ब्रेकअप्स का रीजन ही तो यही है. एक लड़की भी जब बट मेजर सिनेरियो वो चीटिंग का ही होता है. नहीं पता नहीं भाई, तुम तो चार चार बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, पता नहीं बोल रही हो. साथ देखो, छह महीने में इसके साथ बन गए, छह महीने पहले शादी की बात कर रही थी. इन रियलिटी आई एम सिंगल एंड ऑलवेज सिंगल. ये लड़की कहती है बट बिलीव मत करना. Now, आपको लगता है मेरी वाली अलग है बट नहीं है. बात तो सही है. God, बस मिल दोनों मिल गए. दो, धोनी से, धोनी खुद बोला है, धोनी ने खुद बोला है. क्या? क्या आपको लगता है मेरी वाली अलग है बट नहीं है भाई. वो नहीं सुना तुमने वो इंटरव्यू? इट्स अ फेमस इंटरव्यू. नहीं, वो मैंने नहीं देखा. अभी ओपन करो. दैट्स माय फोन. ये मत सोचना मेरी वाली अलग है. So Dolulu is not Solulu here. ये मत सोचना मेरे वाला अलग है, मेरा वाला अलग है. So एक जो लड़का होता है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक जो लड़का होता है ना जिसमें कैपेसिटी नहीं होती है ना कि किसी और लड़की को अप्रोच करना, या उसमें जो चार्म होता है ना, चार्म वो सब में नहीं होता. एक हैंडसम लड़के में भी नहीं होता चार्म. चार्म का मतलब पता है क्या है? तो वो चार्मनेस नहीं होता हर किसी में. तो द सेम वे हर लड़की हर लड़के को अट्रैक्ट नहीं करती है. तो जब वो अभी जो मुनव्वर जो है ना, मुनव्वर ही इज लाइक वेरी गुड आर्टिस्ट. नो आई डोंट फॉलो बिग बॉस, बट रील जब खोल रहा हूं तो वही आ रहा है सब. तो He is a stand-up comedian. वो शायरी I've भी. I've met him a couple of times. I know who he is, but ऐसे. And he have this spontaneous the witty thing. I know. तो that's how. तो जब वो उसके बातों से लड़कियां इम्प्रेस होती है तो कोशिश करेगा ना. मैंने उन नजरों से नहीं देखा तो शायद I don't know. तो ये तो ऐसे ही होता है जब बोलते हैं ना अंगूर खट्टे, मतलब जब तक मिलता नहीं है तब तक, मतलब मेरा समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. बिल्कुल पंडित जी, आप जैसा कहे वैसे ही. गुरु दक्षिणा भी देनी. अभी अभी आपका फेवरेट एक्टर कौन है, बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड में यार बहुत क्लीशे है बट शाहरुख खान. मतलब शाहरुख खान, हाँ, बिकॉज एवरीवन एवरी गर्ल्स फेवरेट इज शाहरुख खान. बट फॉर मी देयर आर मेनी, वेरी मेनी रीजंस. बट तुम्हें पता है अभी एक उनका जो नया मूवी आने वाला है तो उसमें कॉन्टेस्ट है. तो वो कॉन्टेस्ट मुझे भी आया है. मतलब अगर वो कॉन्टेस्ट में कोई जीतता है तो यू कैन गो फॉर अ डेट विद शाहरुख खान. आई वुडंट एवर वांट टू गो ऑन अ डेट विद हिम. ही इज माय फेवरेट एक्टर एंड अ पर्सन, बट आई डोंट लुक एट हिम दैट वे. नाइस नाइस. हां, सो फाइनली आई एम सेइंग बाय टू आंचल. एंड आंचल का गाना आया है और अगर आपको गाना देखना है तो देख सकते हो. भाविन के साथ उसका गाना है और कसम से बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही है तुम दोनों की. या मैंने अभी देखा है सॉन्ग, या क्या प्यारी लग रही हो आंचल. आंचल
को आप बाथटब में वैसे देख नहीं सकते, तो आप लोग नसीब वाले हो कि आप सॉन्ग में बाथटब में देखोगे। आजकल पता नहीं क्या 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 कर रही है बाथटब में। But am I looking good in it? I don't know, ये तो लोगों पे छोड़ देते हैं कि बताओ कि कैसे लग रही है आंचल बाथटब में। ये ना आपका कैप्शन होना चाहिए, आंचल इन बाथटब। हाँ चलो बाय, टेक केयर, वेरी सी यू, बाय।